हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। वो कहते हैं ना कि जिसका था मुझे इंतज़ार, जिसके लिए था मैं बेकरार, वो घड़ी आ गई है, आ गई है, आ गई है। तो गाइस एसबीआई पीओ का गाइस नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था उसका नोटिफिकेशन आ गया है, प्रोबेटनरी ऑफिसर एसबीआई पीओ। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि कब से इसकी ओपनिंग हो रही है, कब से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके प्रोबेटनरी ऑफिसर के। गाइस बहुत ही अच्छी वैकेंसी है गाइस ये। अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो आप खुद जानते होंगे इसका महत्व, एसबीआई पीओ का। साल भर में इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब ये वैकेंसी आए और कब मैं इसे फिल करूँ। तो गाइस इस बार आप अपनी कमर कस लो। गाइस ये आपका जो है 5/10/2021 से 25/10/2021 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है। और बात कर लेते हैं कि गाइस इसकी जो है फेज़ वन कब होएगा, जो इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होएगा गाइस, वो होएगा नवंबर दिसंबर में। और आपका जो है फेज़ सेकंड भी देखिए गाइस, आपका दिसंबर और जनवरी के बीच में, दिसंबर में गाइस आपका हो जाएगा और डिक्लेरेशन जो रिजल्ट होगा मेंस का, वो जनवरी में आपको ये कर देंगे, ठीक है गाइस। और फिर बात करते हैं फिर इसकी इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू भी इसका आपका दो सेकंड और थर्ड वीक में किस किया जाएगा, फरवरी के, ठीक है। और जो आपका फाइनल रिजल्ट देखिए गाइस, इसका फरवरी या मार्च में आ जाएगा। एक यही वैकेंसी है आपकी गाइस, या 6-8 महीने में आपकी बिल्कुल कंप्लीट करके आपके हाथ में कॉल लेटर दे देंगे कि जल्दी से आप आ जाइए और हमारे बैंक में प्रोबेटनरी ऑफिसर बन के बैठिए। तो गाइस ये बहुत बड़ी वैकेंसी है गाइस। अब चलते वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो गाइस ये इसकी जो वैकेंसी है, कुल गाइस इसकी वैकेंसी है आपकी 2056 वैकेंसी है गाइस इसमें, ठीक है, जो इसमें एससी एसटी की है, ठीक है, 324 एससी की है और 162 एसटी की है, और ओबीसी की 560 है, ईडब्ल्यूएस की 200 है, ठीक है। तो कुल मिला के गाइस 2056 वैकेंसी है। और इसकी गाइस हर साल जो वैकेंसी आती है वो इतनी आती है, ठीक है, 2000 मैक्सिमम इसकी वैकेंसी आती है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया की अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो गाइस क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसका गाइस, क्वालिफिकेशन आप कहीं से भी क्या हो गई, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन मैनी अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट, ठीक है, कॉल लेटर इंटरव्यू उसके लिए दिया जाएगा आपको, तो एग्जामिनेशन बिफोर द 31/12/2021 तक, ठीक है। तो कुल मिला गाइस आपकी इसमें जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसमें और बात कर लेते हैं फिर आगे इसमें, कैटेगरी सिलेक्शन प्रोसीजर तो गाइस बता देते हैं। इसमें एक प्रीलिम्स होता है, ठीक है, और मेंस होता है और इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है, जॉइनिंग ट्रेनिंग कैरियर ये सब दे रखा है आपको, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो गाइस ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, अगर आप चाहें तो ये एस सी एस टी के लिए होती है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करते हैं, तो गाइस ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जाइए और वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 25 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं गाइस इधर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और जो एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें वो दे रखा है गाइस, दे रखा है शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का दे रखा है, और अदर अगर आपकी बैकवर्ड का क्लास है उनके लिए कितना दे रखा है, 3 साल का दे रखा है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और पहले प्री होएगा, फिर आपका देखिए मेंस एग्जामिनेशन होएगा। और बात कर लेते हैं गाइस इसके आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे गाइस। ये आपका देखिए मेंस का 200 नंबर का पेपर होएगा, जिसमें 155 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 200 मार्क्स, और आपका 3 घंटे का गाइस ये आपका एग्ज़ाम होएगा, ठीक है, जिसमें आपने आपकी रीजनिंग कितने की आएगी आपकी 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और डाटा एनालिसिस डाटा इंटरप्रिटेशन जो आएगी वो 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, और जनरल और इकोनॉमी और अवेयरनेस जो भी आएगी वो भी आपकी कितनी आएगी 40 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज गाइस आपकी 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश की गाइस हमारी वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है, केवल आप उसे फॉलो कीजिए, ठीक है, आपका एक ही वर्ड गाइस इंग्लिश में नहीं छूटेगा। बाकी और भी अगर किसी टॉपिक से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है,
मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के जो अच्छी जो बेस्ट ट्रिक है गाइज उसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फेस थर्ड, ठीक है, जो मेन देखिए इस यहाँ पे बताया भी गया, सिलेक्शन मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स कहते हैं इसको, ठीक है, और मेन एग्जामिनेशन। तो सिलेक्शन जो है आपके किस पे होएगा, जो प्री और मेंस दोनों के मिला के गाइज आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर जो चलेगा आपका, ठीक है। फेज थर्ड होएगा और फाइनल सिलेक्शन आपका गाइज हो जाएगा जब प्री मेंस और आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो आपका क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर गाइज आपके नियरी जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं ये आपके पास में ही, जो सेंटर मेन सेंटर का जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे गाइज ये हो जाते हैं। कॉल लेटर आपको दे दिया जाएगा गाइज, कितने कॉल लेटर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का कब दे दिया जाएगा आपको गाइज, ये आपको जो है एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आपको कॉल लेटर दे देते हैं, और उसमें आपको आईडी प्रूफ लेके जानी होती है, ठीक है। वो उसके बारे में हम बाद में आपको डिस्कस एक अलग से वीडियो में मैं बना के बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बता रखा है इसमें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होएगा आपका, ठीक है। ये सब चीज़ आपकी एग्ज़ाम के टाइम गाइज होती है, आपको पता लग जाएगा। तो गाइज ये था फॉर्म, तो जल्दी से जाके आप अप्लाई कर लीजिए, और गाइज अप्लाई नहीं करना, अपनी कमर कस लीजिए कि इस बार बस सिलेक्शन लेना ही है। तो गाइज अगर कोई आपको क्वेरी होती है या कोई समस्या है तो गाइज कमेंट सेक्शन में लिख देना, और गाइज वोकेबलरी की जो हमारी सीरीज चल रही है गाइज आप उसे फॉलो कीजिए, इंग्लिश में एक भी वोकेबलरी आपकी नहीं छूटेगी, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।